नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की जो शिक्षक बनने की जो सपना है उसको आप जोरों शोरों से पूरा करने में लगे होंगे। आज जिस विषय पर हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों ने जो मेरे थंबनेल पर देखा होगा कि बीपीएससी टीयर 3 जो 3.0 का जो है कटअप क्या रहने वाला है। ये आप अकेला अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जो सोचते हैं कि कटअप कितना जाएगा, आप अकेला बिल्कुल भी नहीं। जितना विद्यार्थी 160,000 के आसपास जो फॉर्म भरे हैं उन सबों के दिलो दिमाग में चल रहा है कि कटअप कितना जाएगा, इस बार कितना पर मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इन सबों का मतलब आप लोगों के बीच जो कन्फ्यूजन है वही कन्फ्यूजन को लेकर हम आए हैं। इससे पहले बता दूँ कि जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे, इससे पहले भी एग्ज़ाम हुए थे लेकिन कैंसिल हो गए थे किसी वजह से, लेकिन टायर 1 और टायर 2 का जो कटअप था उसका हम विश्लेषण करेंगे। और उससे भी पहले एक बात और बता दूँ, कटअप मैं लास्ट में बताऊँगा, हो सकता है कि आप लोग देख भी लिए होंगे या नहीं भी देख रहा हो, लेकिन आपको हम बता दूँ कि अगर आपका GK GS, मैं उसका सिलेबस का अध्ययन किया हूँ, अगर आपका GK GS का जो पर्सन है वो क्विक चल रहा तो आप अकेला अभ्यर्थी ने बहुत क्विक चल रहा। इस बात को मान के चलिए कि अगर ये सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो सबका कमज़ोर होगा, किसी का कोई एक सब्जेक्ट से ही बाहुबली होता है, सभी सब्जेक्ट पर कमांड उसका नहीं होता है। एक तरीका मैं बता दूं जो इतनी कम समय में आपको कारगर साबित हो सकता है, बिहार में बेरोजगारी लड़ने का एकमात्र उपाय माना जाता है ऐसा लुसेंट मेरे हिसाब से, बाकी आप लोगों के हिसाब से कौन कौन बुक है ये आप लोग भलीभांति जानते होंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि लुसेंट में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आप उस मॉडर्न हिस्ट्री को बार बार 10 बार 15 बार अभी समय है आप उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट में कुछ बॉक्स वाला चैप्टर है जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है उसको देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि उसके बाद आप जितना बना के आएंगे अच्छे अच्छे को आप मतलब पानी पिला सकते हैं, उतना बना देंगे। और कोई बहुत मतलब अभ्यर्थी आप इतना बना देंगे उससे कि आपका उससे रिजल्ट हो सकता है, यानी उस सेक्टर से रिजल्ट होने के लिए तो पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए, लेकिन उस सेक्टर में आप 70-80% आप वहाँ से कवर करके लुसेंट से तैयारी कर सकते हैं। ये मैं इतना कम समय में जो एग्ज़ाम होने वाला इसके लिए बता रहा हूँ। और अन्य चीज़ जो है आप छोटे छोटे चैनल पर से भी देखते होंगे, और एक बात और बता दूं कि दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लेकिन क्योंकि जो भी हम कटअप बताते हैं अभी अन्य अभ्यर्थी भी है आपके जैसा बहुत अभ्यर्थी है मेरे आसपास भी है, वो सब भी 120 का सेट बनाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और वो भी हमको नंबर दिखाते रहते हैं कि कितना कटअप जाएगा। 67 कभी किसी सेट में 67 आ गया, किसी सेट में 92 भी आ जाता है, किसी सेट में 80 आ जाता है, किसी सेट में 60 भी आता है। तो 60 जब आता है तो उनका मनोबल नीचे हो जाता है, और 92 आ जाता है, 92 अगर आ गया तो उनका मनोबल थोड़ा हाई हो जाता है। तो उसमें जो कुछ होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरा इस बार भी नहीं होगा, अगले और पिछले बार भी नहीं हुआ था, और कोई सोचते हैं कि इस बार नहीं होगा तो फिर हमको हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, फिर से वैकेंसी आएगी। इस बार नहीं है तो भगवान ना करे कि इस बार आप लोग चुके, आप जितने भी हैं सभी को इस बार हो जाए, लेकिन वैकेंसी जितना है उसी के अनुसार ना होगा। 160,000 को तो होने वाला नहीं है, वैकेंसी जो है उसी के अनुसार 28,000 वैकेंसी आसपास है, तो उन्हीं अभ्यर्थी को होगा। तो उनको लगता है कि आज 92 नंबर आ गया तो 92 नंबर आने के बाद उनका लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, और कल हो के 67 नंबर आ जाता है तो 67 नंबर आने के बाद उनको लगता है कि आप तो मेरा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम में आपके सेट के आधार पर क्वेश्चन नहीं आता दोस्त, कुछ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जो सब सॉल्व कर देगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो किसी को नहीं आता, कुछ क्वेश्चन होता है जो सॉल्व कर देता है और कुछ क्वेश्चन होता है जो किसी को नहीं आता, उसी में से जो दो चार लगा देते हैं एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज का रहता है वो आप अपना तैयारी करके वो निकल जाते हैं। आइए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे आप लोगों का, आप लोगों के कटअप के बारे में बता दूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी एग्जाम हुआ नहीं है, क्वेश्चन पर ये कटअप निर्भर करेगा, ऐसा नहीं है कि हम जो बता दें वो वर्मा का लकीर हो सकता है, इससे कम भी चल जाए या इससे ज़्यादा भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो बताएं वो वर्मा का लकीर लक्ष्मण रेखा उससे आगे पीछे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मैं भी संभावित बता रहा हूँ कि
कि ऐसा हो सकता है पिछला प्रीवियस ईयर का कटअप देख के, और वो सब क्वेश्चन पर निर्भर करता है। क्वेश्चन अगर बहुत आसान आ गया तो इसे ज़्यादा चला जाएगा, और क्वेश्चन मॉडरेट आया तो लगभग यही के आसपास रहेगा, और क्वेश्चन आसान आ गया बहुत ईजी आ गया तो इससे मतलब क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो इससे ज़्यादा मतलब नहीं जाएगा, इससे कम भी आ सकता है कटअप। देखिए सबसे पहले बात करूँ कि जो संभावित कटअप है ये बीपीएससी टीयर 3.0 के बारे में मैं बता रहा हूँ, और कुल पद जो था वो आप लोग जानते ही होंगे, ये बताने की जरूरी नहीं है। 28,026 पोस्ट है, कुल आवेदन जो विद्यार्थी किए थे कुल आवेदन 160,644 किए थे, इसमें से कुछ अभ्यर्थी जो उनका रिजेक्ट भी हुआ था, कुल मिला के आप सीट कहें तो एक सीट पर 6 अभ्यर्थी। ये सबसे कम बिहार का जो भी एग्जाम है उसमें, बहुत एग्जाम में ऐसा होता है कि एक सीट पर 200 स्टूडेंट रहता, 50-50 स्टूडेंट रहता, लेकिन आपको देखिए एक सीट पर 6 स्टूडेंट ही को ही हराना है। आप 6 स्टूडेंट मिला के, आपको मिला के 6, यानी आप एक हैं, यानी 5 को बाहर कर देना है, ठीक है। तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि अन्य एग्जाम की अपेक्षा ये एग्जाम आसान है। टीयर जो 1 हुआ था उसका कटअप का बात करूँ, उसका कटअप का बात करूँ तो यूआर का जो मेल का आप लोगों को दिख रहा होगा कि 67 गया था, और फीमेल का देख लीजिए 57 गया था, यूआर का बात कर रहा हूँ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 56 गया था, ईडब्ल्यूएस 56 गया था, उसके बाद फीमेल का 48 गया, ठीक है। और बीसी ओबीसी, इसको ओबीसी कहिए, ठीक है, ओबीसी का 55, ओबीसी का 55 कटअप गया था, और उसके बाद ओबीसी फीमेल का 47 कटअप गया था, उसके बाद ईबीसी का 60, और ईबीसी का उसके बाद 44 गर्ल्स का 44 गया था फीमेल का। एससी का बात करें तो 47, एससी का मेल का बात करें तो 47 और इनका 39 गया था, और एसटी का बात करें तो 46 और 39, ठीक है। एसटी का इसलिए थोड़ा सीट की अपेक्षा इनका जो सीट कम आता है, इनके आरक्षण के अनुसार इनका सीट कम आता है, इसलिए कटअप ज़्यादा अंतर भैरी नहीं करता है। एससी एसटी कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है। अब देखिए यू आर का ये टीयर 2 का एग्जाम के बारे में बता रहे हैं कि मेल का जो कटअप गया था यू आर का ये 89 गया था, और फीमेल का भी आप देख लीजिए 89 ही गया था, सेम टू सेम मेल फीमेल दोनों का हो गया था। कुल पद कितना आया था इसमें, 9100 पद आया था, 9000 के आसपास ये पद था, पद बहुत कम था इसलिए कटअप ज़्यादा चलेगा, और रिजल्ट किसी कारण बस 3100 का ही दिया गया था, रिजल्ट 3100 का दिया गया था। उसमें जनरल जो अभ्यर्थी थे उसमें जनरल अभ्यर्थी का 1831 रिजल्ट दिया गया था, और 6000 अभ्यर्थी को तो रिजल्ट ही नहीं दिया गया था, 6000 अभ्यर्थी का रिजल्ट ही नहीं दिया गया था। उसके बाद आइए टीयर 3 का बात करते हैं, जिसका आप बहुत देरों से इंतजार कर रहे होंगे कि अब बताएगा, ठीक है। आप देखिए ये संभावित कटअप है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो एग्जाम के बाद हम आपको फिर से एनालाइज करके बता दूंगा। आइए देखते हैं यू आर, ये 3.0 का कटअप है, यू आर का इसको मान के चलते 75 से 80 के बीच इस बार रहने वाला, और फीमेल का 65 से 70 जो कड़ा 90 जाएगा 100 जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतना ही पे लगभग रहेगा। ई डब्ल्यू एस का 65 से 70 जाएगा मेल का, और 55 से 60 के बीच में ये रहने वाला है फीमेल का। ई बी सी का बात करें तो 62 से 65 अगर ई बी सी ला रहे हैं तो आप 62 से 65 ला रहे हैं तो आपका मतलब समझ लीजिए कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन पर ये निर्भर करेगा। उसके बाद फीमेल का 52 से 56, बी सी का 68 से 72, और ये फीमेल का 58 से 62 के आसपास, ठीक है। एससी का बात करें तो 57 से 60, ये 50 से 53 के बीच रहेगा। उसके बाद एसटी का बात करें 55 से 58, एसटी का बात करें 55 से 58, ये 50 से 52 के बीच रहेगा एसटी का कटअप, ठीक है। आप अगर दोस्तों इस सब कटअप आपको भी कितना नंबर आ रहा है इसको कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आप भी देख लीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना नंबर आ रहा, अन्य अभ्यर्थी का कितना नंबर आ रहा, सेट की बात कर रहा हूँ, और कैटेगरी वाइज लिख दीजिएगा, थोड़ा कैटेगरी वाइज लिखेगा तो और आपको भी अनुभव होगा और अन्य को भी अनुभव होगा कि कितना नंबर कौन ला रहा है, मेरा कितना और मेहनत करना जरूरी है अभी जो भी समय बचा है उसमें। और चैनल पे आप नए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय हिंद।